जिस बिहार में पूरे भारत से लोग पढ़ने आते थे और देश की राजनीति यहां से चलती थी, आज स्थिति यह है कि बिहार के लोगों को पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जलील होना पड़ता है। प्रशांत किशोर का बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर तंज, बोले शिक्षा के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए का बंदरबांट हो रहा, इसलिए बिहार के बच्चे कलेक्टर की जगह मजदूर बन रहे। जनसूरज पद यात्रा के दौरान वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए, कोई मजदूरी करने के लिए, और वहां जिससे मन होता है वो बिहार के बच्चों को मार देता है, जिसका मन होता है वह गाली दे देता है। बिहार के लोगों को बिहारी कहकर बुलाया जाता है, उनको लगता है कि बिहारी मतलब बेवकूफ। क्या हम सब मूर्ख हैं? नहीं, यहाँ के नेताओं ने हम लोगों को मूर्ख बनाकर रखा हुआ है। लगवा रहे हैं कि बिहार की ज्यादातर जनता का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हम लोग के घर के लोग बाहर मजदूरी करने जाता है। हर दिन पूरे भारत में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग सब आदमी बुर्बक बेवकूफ है? अरे हम लोग सब बुर्बक बेवकूफ नहीं है। आपको बिहार, आपको हमको बिहार के कुछ चंद नेताओं ने मिलकर बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने इस देश में 1500 साल तक बिहार की शासन, देश की शासन व्यवस्था बिहार से चलाई है। ये वो मिट्टी है। तो आज और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, जिस बिहार में पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, जिस बिहार से पूरे भारत की व्यवस्था चलती थी, आज वहां हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, मजदूरी के लिए पूरे भारत में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, तो स्कूल में पढ़ाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप में से कुछ लोग सोचिएगा कि आपका लड़का तो प्राइवेट में जाता है, तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, पेट काट के भी अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल तो प्राइवेट में पढ़ लेगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी में जाना पड़ेगा। अगर स्कूल में पढ़ भी लिया तो कॉलेज में जाएगा तो वहां पर भी पढ़ाई नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, उसको तो मजदूर ही बनना है। तो बिहार में ज्यादातर लोगों के बच्चों के पढ़ाई की सुविधा ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है, इस बात को याद रखिएगा। इस गरीब बिहार में हर साल सरकार 40,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर, स्कूल कॉलेज पर खर्चा करती है। आपका हमारा पैसा 40,000 करोड़ हर साल खर्चा हो रहा है गरीब के बच्चे के पढ़ाने के नाम पर, और गरीब के घर का 40 गो बच्चा भी पढ़ के निकल नहीं रहा, सारा पैसा बंदरबांट हो जा रहा है। तो पढ़ने का सुविधा आपके बच्चों के लिए है नहीं।